वर्तमान समय में जहां तकनीकी और नवचारों का दौर हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है, वहीं पालन पोषण की दुनिया में भी कई सुविधाजनक उपायों का आविष्कार हो चुका है। इसी संदर्भ में बच्चों के लिए डायपर्स जैसे उत्पादों ने माता पिता के जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। आज के युग में डायपर्स हर माता पिता की पहली पसंद बन चुके हैं, खासकर जब बात बच्चों को गीलापन से बचाने की आती है। चाहे वो घर से बाहर जाने का समय हो, कोई समारोह हो या बच्चों को रात भर सुखद नींद देने की बात हो, डायपर्स ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। नमस्कार, मैं अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं डॉक्टर संजय रंजन, लखनऊ में बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, भारतीय बाल अकादमी की उत्तर प्रदेश शाखा का 2023 का अध्यक्ष रहा हूँ। कि उनको बदलते रहना, डिस्पोजेबल होने का मतलब उनको चेंज करते रहना, तो अगर टाइम से चेंज नहीं कर पाते, बच्चे स्पॉइल रहता है, तो दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो स्किन में वहाँ पे इरिटेशन, रैश, स्किन की बीमारियाँ हो सकती हैं केमिकल लगने से। दूसरा, लेटरिन पेशाब के जो इन्फेक्शन है वो यूरिन में चले जाते हैं, तो यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। स्किन इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन, ये दो चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो बदलते रहना ज़रूरी। देखिए, रैश तो आपको दिख जाएगा, बच्चा जैसे यूरिन करता है और उसको लगती है जब स्किन में, तो वो रोने लगता है, देखने में रेडनेस या दूसरी तरह के रैश पूरे दिखते हैं। यूरिन में क्या होता है कि यूरिन करने में बच्चों को तकलीफ होती है, बच्चा यूरिन करने के बाद भी रोता रहता है। आपने देखा होगा बच्चों को यूरिन लगती है या पॉटी लगती है तो थोड़ा सा रोते हैं, कर देते हैं, चुप हो जाते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो आखिरी बूंदों के साथ दर्द और बढ़ जाता है, उनको दर्द देर तक होता रहता है। दूसरा, कभी कभी यूरिन कम हो जाता है, बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन होता है, गाढ़ा बदबूदार यूरिन होता है, ये नॉर्मल नहीं है, ये इन्फेक्शन के लक्षण है। नॉर्मली पानी जैसी साफ पेशाब होती है और यूरिन करने के बाद बच्चे चुप हो जाते हैं।